वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले के तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर मैं हूं नसीर कुरैशी। आइए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। भदोही शहर कोतवाली इलाके के नई बाजार एक बैंक के समीप से उचक्का गिरी का मामला सामने आया है। हालांकि भदोही कोतवाली पुलिस ने इसे संदिग्ध बताते हुए बैंक सहित आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालती रही। बताया जाता है कि नई बाजार के वार्ड नंबर 4 पटेल नगर निवासी शक्ति मदनवाल का 15 वर्षीय पुत्र शुभम मदनवाल मंगलवार की सुबह 11 बजे 1,10,000 रुपया बैंक में जमा करने जा रहा था। किशोर का कहना है कि कुछ लोग पहुंचे और उसके चेहरे पर रुमाल डालकर अचेत कर दिया। जब उसकी नींद खुली तो वह एक ऑटो में पड़ा हुआ था और मौजूद 1,10,000 रुपया गायब था। होश आने पर वह घर पहुंचा और परिजनों को आप बीती बताई। दिन दहाड़े हुए 1,10,000 की उचक्का गिरी की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस बैंक सहित आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के साथ मामले की जांच पड़ताल में जुटी रही। इस संबंध में भदोही इंस्पेक्टर गगनराज सिंह ने कहा कि मामला संदिग्ध है। भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय के एक डॉक्टर की लेट लतीफी पर मंगलवार को मरीजों ने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के चैम्बर के सामने प्रदर्शन किया है। प्रकाशपुर निवासी शेखर, पिपरिस निवासी त्रिभुवन सहित आधा दर्जन मरीजों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि कई घंटे इंतजार करने के बाद भी डॉक्टर नहीं पहुंचे। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर 10:40 पर पहुंचे थे, उसके बाद भी मरीजों को नहीं देखा जा रहा था। नाराज मरीजों ने हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया है। सूर्यावा थाना इलाके के निमकौड़िया तालाब के पास रात 1 बजे सड़क पर घायल मिले युवक की मौत हो गई है। युवक की पहचान थाना क्षेत्र के ही पट्टी बेजाऊ निवासी रमेश गौतम 35 वर्ष के रूप में हुई है। बाइक से रमेश गौतम कहीं गया हुआ था, जहां निमकौड़िया तालाब के समीप किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया, घायल होकर सड़क पर पड़ा था। सूचना पर पहुंची पुलिस सूर्यावा अस्पताल लेकर पहुंची थी, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जेब में रखे कागजात के मुताबिक पुलिस ने उसकी सूचना उसके परिजनों को दी। रोते बिलखते परिजन अस्पताल पहुंचे। रमेश कुमार गौतम गैर प्रदेश में रहकर मजदूरी का काम करता था। 1 माह पूर्व वह अपने घर पट्टी बेजाओ आया हुआ था। हादसे से परिजनों में कोहराम मचा है। भदोही कोतवाली परिसर में होली व शबे बारात को लेकर SDM भदोही अश्वनी कुमार पांडे की अध्यक्षता में शांति समिति की मीटिंग का आयोजन किया गया। SDM ने शांति व्यवस्था में सहयोग के लिए दोनों धर्मों के लोगों से अपील की है। कहा कि शुक्रवार को ही होली शबे बारात व जुमे की नमाज पढ़ रही है। उन्होंने कहा कि त्यौहार शांतिपूर्वक से मनाएं, त्यौहार पर कोई भी माहौल खराब करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में CO भदोही इंस्पेक्टर गगनराज सिंह, कस्बा चौकी इंचार्ज प्रवीण ओजा सहित समाजसेवी जमील नेता, मिठाईलाल दुबे सभासद, हसीब खान, रूमी सिद्दीकी, गिरधारी जायसवाल मौजूद रहे। बैठक को भदोही चेयरमैन अशोक जायसवाल ने संबोधित किया। खाना बनाते समय चूल्हे से उठी आग ने रिहायशी मढ़े को खाक कर दिया है। मामला कोयरौना थाना इलाके के भमौरी गांव का है। भमौरी गांव निवासी सिलवंता शर्मा पूरे परिवार के साथ मढ़े में रहते हैं। मंगलवार की सुबह सिलवंता की बहू मंजू शर्मा खाना बना रही थी। खाना बनाते समय वह किसी काम से मढ़े से बाहर गई, तब तक चूल्हे से उठी चिंगारी ने मढ़े को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते मढ़ा पूरी तरह जलकर खाक हो गया। पड़ोस के धीरज शर्मा, गणेश शर्मा, अंकित शर्मा आदि ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक मढ़ा सहित अनाज जलकर खाक हो गया। भदोही शहर के गजिया ओवरब्रिज सर्विस लेन व नाली निर्माण में नियमों को दरकिनार करने का आरोप लगाते हुए आसपास के लोगों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया है। दर्जनों से अधिक लोगों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि सर्विस लेन व नाली निर्माण कार्य नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा है। मानक को दरकिनार कर हो रहे निर्माण से भवन स्वामियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जिस ढंग से नाली का निर्माण कराया जा रहा है, उससे जल निकासी की समस्या दूर होने के बजाय और गंभीर होगी। मामले की जांच कराए जाने की लोगों ने मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में W चौरसिया, राजकुमार, पारस मदनवाल, कृष्णा सेठ आदि मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ ने डीएम को एक पत्र सौंपते हुए होली पर्व को लेकर 19 को अवकाश की मांग की है। पत्र सौंपते हुए संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद अवकाश तालिका में 17 व 18 को छुट्टी है, जबकि अन्य कार्यालयों में होली का अवकाश 19 तक है। कहा कि अधिकतर शिक्षक गैर जनपद के हैं, ऐसे में शिक्षक संघ ने 19 मार्च तक होली पर्व के अवकाश की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में संघ के जिला अध्यक्ष घनश्याम यादव, जिला मंत्री अरुण कुमार पांडे मौजूद रहे। भदोही शहर के सररोही बाजार ईदगाह के समीप एक तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक में टक्कर मार दी है। जाहिदपुर निवासी धर्मेंद्र कुमार नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक सवार युवक किसी काम से सररोही जा रहा था, जहां सररोही बाजार के ईदगाह के समीप यह हादसा हुआ है। युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना रजपुरा पुलिस को दी। घायल युवक को भदोही के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। टक्कर मारने के बाद चालक बोलेरो सहित फरार हो गया। विद्युत विभाग के सब स्टेशन ज्ञानपुर की टीम ने मंगलवार को चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान से कटियामार कनेक्शनधारियों में हड़कंप मचा रहा। अधिशासी अभियंता अमर सिंह व अवर अभियंता माधव कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। अभियान ज्ञानपुर पुरानी बाजार में चलाया गया था। अधिकारियों ने बताया कि 2 दर्जन से अधिक विद्युत कनेक्शनों की चेकिंग की गई, जिसमें 13 अवैध कनेक्शन काटे गए। 1,00,000 रुपया की वसूली की गई। अधिकारियों ने बताया कि नगर के 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं बकायेदारों को आगाह करते हुए कहा कि मार्च के अंत तक बकाया बिल जमा करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। चेकिंग अभियान में लाइनमैन विपिन मौर्य, नीरज, राजन, दिलीप मौजूद रहे। सूर्यावा विकासखंड के जमुनीपुर अडगवा मोड़ से ग्रामीण मंगलवार को डीएम दरबार पहुंचे। राशन कार्ड की मांग को लेकर डीएम दरबार पहुंची संतरा पाल, शीला देवी, मनीषा चमेला सहित 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि परिवार के सदस्य मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन किसी भी परिवार के सदस्यों के पास राशन कार्ड नहीं है। ऐसे में उन्हें सस्ते गल्ले राशन योजना से वंचित होना पड़ रहा है। पत्र देते हुए ग्रामीण महिलाओं ने राशन कार्ड बनवाए जाने की डीएम से मांग की है। गोपीगंज व्यापार मंडल के अथक प्रयास व लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद आखिरकार नगर के कबूतरनाथ नलकूप के पास लगे ट्रांसफार्मर का विद्युत केबल बदलने का काम शुरू हो गया है, जिससे विद्युत आपूर्ति अक्सर बदहाल रहती थी। कई बार व्यापारी संगठनों ने प्रदर्शन कर विद्युत केबल लगवाए जाने की मांग की थी। आखिरकार 3 माह बाद विद्युत केबल बदलने का काम मंगलवार से शुरू कर दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि विद्युत केबल बदलने के बाद नगर को विद्युत संकट से निजात मिलेगी। मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तहत अबोली ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भानीपुर के अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक नाग व पर्यवेक्षक शोएब की देखरेख में अलग अलग गांव में लगाए गए टीकाकरण कैंपों में 80 नवजात शिशुओं का टीकाकरण हुआ है। टीकाकरण कैंप अमिलहरा, अर्जुनपुर, सरायरुद्दी, लोकमनपुर, वीरभद्रपट्टी, घाटमपुर आदि इलाकों में लगाया गया था। इन कैंपों का इन दोनों स्वास्थ्य अफसरों ने निरीक्षण भी किया। टीकाकरण में सुनीता, बिंदु, अनीता, ओमवती महिला कर्मी मौजूद रही। मोड़ बाजार के समीप एक तेज रफ्तार बाइक ने दवा लेने जा रही एक महिला को टक्कर मार दी है, जिससे महिला का पैर फ्रैक्चर हुआ है। महिला जमनीपुर अड़गवा बसवरिया की निवासिनी दिव्यांग सुगना गौतम बताई गई है। टक्कर मारने वाले बाइक चालक ने पहले तो महिला का इलाज कराने की बात कही, उसके बाद वह फरार हो गया। महिला सड़क पर ही पड़ी थी, जहां इलाके के आलोक तिवारी व ओकार नाथ ने पहल कर महिला का इलाज कराया है। ज्ञानपुर काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी का मंगलवार को समापन हो गया। प्रदर्शनी की अध्यक्षता हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर किरण शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि चित्रों को बाखूबी कलाकारों द्वारा उकेरा गया है। प्राकृतिक दृश्यों को मनमोहक ढंग से उकेरने पर कलाकारों की प्रशंसा की। इस मौके पर तनुजा, करीना, पूनम, विकास आदि मौजूद रहे। मंगलवार को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भदोही में जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। भदोही जिले के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में जिले के सभी विकास खंडों के 70 छात्र छात्राओं ने प्रदर्शनी में प्रतिभाग किया।
प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह द्वारा किया गया। जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में ब्लॉक स्तर पर आयोजित विज्ञान क्विज के माध्यम से चयनित 10-10 छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। कार्यक्रम के अंत में शामिल 70 छात्र छात्राओं को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र व पुरस्कार शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विकास चौधरी, योगेश मौर्य, संतोष सिंह, राजेंद्र आदि मौजूद रहे। अगर आपके आसपास कोई खबर है तो सत्यम न्यूज वेब टीवी पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमें जरूर बताएं। साथ ही सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरों को शेयर करें, साथ ही लाइक कमेंट कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाएं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब। ताजा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।